होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर ईवीएस टीचर अनु कुमार राठौर फ्रॉम दिग्ज्योति स्कूल। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर ईवीएस का फर्स्ट क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है माय फैमिली। आपका थर्ड चैप्टर है माय फैमिली। व्हाट इज ए फैमिली? फैमिली क्या होती है या फैमिली क्या है, परिवार क्या है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक ए फैमिली। बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे मिलकर एक क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। ठीक है। यू ऑल्सो लिव इन योर हाउस विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स। आप क्या है, अपने घर में किसके साथ रहते हैं? माता पिता, भाई और बहनों के साथ रहते हैं। दे ऑल आर योर फैमिली। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके फैमिली कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार। द फैमिलीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फैमिली तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी है बे? दिस इज दीपूज फैमिली। ये दीपू की फैमिली है। ठीक है। दीपू लिव्स विद हिज मदर, फादर एंड ए सिस्टर। दीपू अपने माताजी, पिताजी और बहन के साथ रहता है। दीपूज फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। दीपू की फैमिली एक छोटी परिवार है। दीपू का परिवार कैसा है? एक छोटा परिवार है। क्यों? क्योंकि उसमें ओनली एक उसकी मम्मी, पापा और उसकी बहन रहती है। ए स्मॉल फैमिली हैज़ वन और टू चिल्ड्रन। एक स्मॉल फैमिली में, एक छोटे परिवार में एक या दो बच्चे ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद आंसी लिव्स विद हर पेरेंट्स, ए ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। आंसी है वो किसके साथ रहती है? अपने माता पिता और भाई और दो बहनों के साथ रहती है। आंसीज फैमिली इज ए बिग फैमिली। आंसी की परिवार एक बड़ा परिवार है। ए बिग फैमिली हैज़ मोर देन टू चिल्ड्रन। एक बड़े परिवार में दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं। डू यू ना? ए न्यूक्लियर फैमिली इज द फैमिली दैट हैज़ वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस। एक न्यूक्लियर फैमिली में एक सेट होता है पेरेंट्स का और उनके बच्चे एक ही हाउस में साथ साथ रहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या पहला क्या पूछा है इसमें? व्हाट इज ए फैमिली? फैमिली क्या है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक ए फैमिली। माता पिता और उनके बच्चे एक परिवार बनाते हैं। जब साथ साथ रहते हैं तो क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं। ठीक है। उसमें से अब पूछा है व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिली। तो द फैमिलीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं फैमिली के? थ्री टाइप्स हैं। अब इसमें देखिए आप, इसमें दादा दादी, मदर फादर, सॉरी दीपू की फैमिली को बताया गया है स्मॉल फैमिली है। क्यों? क्योंकि उसमें मदर फादर एंड उसकी सिस्टर रहती है और वो रहता है। ठीक है। फोर मेंबर ही हुए। और बिग फैमिली, आंसी की फैमिली जो है वो बिग फैमिली है क्योंकि उसमें मम्मी पापा, माता पिता, पेरेंट्स के अलावा उसका भाई और दो बहनें और रहती हैं। तो वो कितने मेंबर्स हो गए? सिक्स मेंबर्स हो गए। तो ये फैमिली कैसी कहलाएगी? आपकी बिग फैमिली कहलाएगी। उसके बाद देखिए आप, लुक एट दिस फैमिली फोटोग्राफ। आप इस फैमिली के फोटोग्राफ को देखिए, छाया चित्र को देखिए। दिस इज मोनोज फैमिली। यह मोनो की फैमिली है। दिस इज ए जॉइंट फैमिली। यह कैसी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। ए फैमिली दैट हैज़ मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। एक फैमिली जिसमें हैज़ मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स, जिसमें क्या है, एक सेट पेरेंट्स का, जैसे देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। ऐसा परिवार जिसमें एक से ज़्यादा पेरेंट्स, जैसे आपके घर में जैसे आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स यानी दादा दादी भी साथ रहते हैं, तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? जॉइंट फैमिली। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर एंड कजन्स लिव इन ए जॉइंट फैमिली। एक दादा दादी, माता पिता, अंकल, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे, भाई बहन और उनके कजन, चचेरे बहन भाई, जब साथ रहते हैं तो क्या कहलाता है ऐसा परिवार? जॉइंट फैमिली कहलाता है। अब उसके बाद रोल इन फैमिली। रोल्स इन ए फैमिली।
फैमिली में आपकी भूमिका है ना, भूमि सबकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स योर मदर एंड फादर डू, आपके मम्मी और पापा बहुत से अलग अलग कार्य करते हैं, वो आपको इसमें छाया चित्र में दिखाया गया है और उसके हिसाब से आपको कलर करने के लिए बोला है। कलर द सर्कल रेड व्हाट योर मदर डज एंड ब्लू व्हाट योर फादर डज। आपका जो रेड कलर सर्कल करना है आपको कि आपकी माताजी क्या कर रही हैं, और ब्लू में आपको कलर करके आपको बताना है कि पिताजी क्या कर रहे हैं। कलर द सर्कल इन ग्रीन व्हाट बोथ ऑफ देम डू, और वो दोनों मिलकर कौन सा, दोनों ही कोई काम कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल लाना है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। जैसे वेजिटेबल मम्मी भी ला सकती है और पापा भी ला सकते हैं, तो इसमें कौन सा कलर होगा आपका, ग्रीन कलर। गाड़ी ज़्यादातर पापा ही धोते हैं, इसलिए आप इसमें कौन सा कलर करोगे, ब्लू कलर। खाना हमेशा मम्मी पकाती है, इसलिए इसमें कौन सा कलर करोगे आप, रेड कलर। और बच्ची को हमेशा जो शिक्षा देती हैं, ठीक है, वो मम्मी पापा दोनों देते हैं वैसे तो, पर ज़्यादा कौन देता है, मम्मी देती है, इसलिए रेड कलर। पढ़ाता मम्मी और पापा दोनों पढ़ा सकते हैं, इसलिए इनमें क्या होगा, ग्रीन कलर। और स्लीपिंग हमेशा लोरिस देकर सुलाने वाली मम्मी ही होती है, इसलिए इसमें क्या कौन सा कलर भरा जाएगा, रेड कलर, ठीक है। ऐसे पापा को मना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर होता यही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स बता देती हूँ जिसे आपको लर्न करना है। मैं पिक भी भेज दूंगी जिससे आपको क्या है, अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। इसमें आप देखिए क्लास फर्स्ट का है, थर्ड नंबर चैप्टर माय फैमिली। इसमें फर्स्ट है हार्डवर्ड पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता। मेक का मतलब क्या होता है, यहाँ बनाना। हाउस घर। ब्रदर भाई। सिस्टर बहन। टाइप्स यानी प्रकार, मदर यानी माताजी, फादर यानी पिताजी, स्मॉल माने छोटा और बिग माने बड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, न्यूक्लियर फैमिली आ रहे हैं ना आपके, तो न्यूक्लियर फैमिली क्या है, एकल परिवार। तो न्यूक्लियर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एकल। लुक यानी देखना। फोटोग्राफ यानी छाया चित्र। जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। टुगेदर यानी साथ साथ। ग्रैंड पेरेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, दादा दादी या नाना नानी, ठीक है। रोल यानी भूमिका। डिफरेंट यानी विभिन्न। रेड यानी लाल रंग। ब्लू यानी नीला रंग। और ऐसे ही क्या हो जाएगा आपके, ग्रीन यानी ग्रीन कलर, ग्रीन रंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इन कठिन शब्द के द्वारा, और इस चैप्टर को काफ़ी कठिन शब्द आपको हार्ड वर्ड हैं वो आपको याद करने हैं, और उसके द्वारा आप क्या करोगे, इस चैप्टर को काफ़ी ईजी वे में लर्न कर लोगे। उसके बाद आप देखिए इसमें डू यू नो, हम जानते हैं या आपको जानना चाहिए ये कि द पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हम माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता हमारे क्या लगते हैं, दादा दादी। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली। पेरेंट्स और उनके बच्चे मिलकर क्या बना लेते हैं, एक फैमिली बना लेते हैं। सम फैमिलीज आर स्मॉल, सम फैमिलीज आर बिग। कुछ फैमिलीज क्या होती है, छोटी होती है, कुछ फैमिलीज बड़ी होती हैं। ए फैमिली दैट हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। एक परिवार में जब एक पेरेंट्स का सेट, एक पेरेंट्स रहते हैं और माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं एक ही घर में, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। एज फैमिली दैट हैज मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड एज जॉइंट फैमिली। और जब एक ही फैमिली में पेरेंट्स का एक से ज़्यादा सेट रहता है और उनके बच्चे रहते हैं तो क्या कहलाता है, वो जॉइंट फैमिली कहलाती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शेयर वर्क, और सभी परिवार के सभी सदस्य कार्य में सभी की सहायता करते हैं, ठीक है। अब इसके टिक द करेक्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। इसका फर्स्ट है, तो आप देखिए इसमें टिक द करेक्ट आंसर। ए स्मॉल फैमिली हैज़ ब्लैंक चिल्ड्रन। एक स्मॉल फैमिली में कितने चिल्ड्रन होते हैं, वन और टू, कितने होते हैं,
वन या टू, कितने चिल्ड्रन होते हैं, कितने बच्चे होते हैं, एक या दो। ए जॉइंट फैमिली इज ए बिग फैमिली, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एक्सेट्रा लिव इन इट, कैसी फैमिली रहते हैं वो, जॉइंट फैमिली, क्या कहलाती है, जॉइंट फैमिली। राइट द नेम ऑफ योर, आपको अपने फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, ब्रदर और सिस्टर का नाम लिखना है, अंकल का और आंट का, ठीक है। जैसे अब मेरे फादर का नाम दशरथ सिंह, मदर का नाम कमलेश कौर, ब्रदर का नाम भानु प्रताप सिंह, सिस्टर का नाम ममता, अंकल का नाम चंद्रवीर सिंह और आंट का नाम विमलेश कौर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने बताए हैं, वैसे ही आपको अपने फिल करने हैं इसमें। उसके बाद आप देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर है आपके, क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट देखिए आप, हु मेक ए फैमिली, फैमिली कौन बनाता है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक ए फैमिली, ठीक है, माता पिता और उनके बच्चे एक परिवार बनाते हैं। व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, तो ए फैमिली दैट हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज ए बिग फैमिली, बिग फैमिली क्या है, ए बिग फैमिली हैज मोर देन टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड बिग फैमिली। व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या है, ए फैमिली दैट हैज मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, और वैसे ये मैंने तो एक्सप्लेन किए हैं, और वैसे आपको क्या करना है, इनको कॉपी में आपको पिक भेज दी जाएगी और उसके द्वारा आपको क्या कॉपी में कर लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इस चैप्टर को आपको अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को एक दो बार देखना है, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हार्ड वर्ड करने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं। और जो बुक में फिल करने वाले हैं टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, या जो पूछा है अभी योर फादर नेम, मदर नेम, वो सब आपको बुक में फिल करना है, ठीक, ओनली हार्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में करने हैं। थैंक यू।